अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बच्चों को तो पसंद होती ही है व्यूअर्स, और बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात ये है इस रेसिपी की कि ये बस दो चीज़ों से बनकर मिनटों में रेडी हो जाती है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम पापड़ की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आम पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए दो आम, ये 700 ग्राम है। इसको छील करके इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर आम को छील करके हमने उसको रफली चॉप कर लिया है। ये करीबन 500 ग्राम पल्प निकल आया है। अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और आम के पल्प को जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें इसका पेस्ट बनाना है, लेकिन पेस्ट बनाते वक्त ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो चलिए इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट बना लिया है हमने, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक चम्मच की मदद से हम इसको हिला करके देख लेंगे कि इसमें कोई लम्प्स ना हो। तो ये देख सकते हैं आप कि ये एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे और आम के सारे पल्प को इसमें निकाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम चीनी। यहाँ पर हम 500 ग्राम पल्प में 100 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आपने जो आम लिए हैं वो खट्टे हैं थोड़े, तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने पैन को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम के बीच में रखना है। शुगर को मिक्स कर लेंगे आम के पेस्ट के साथ। अब इस पेस्ट को हमें 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर ही रखना है। इसको बीच बीच में चलाते हुए हम गाढ़ा होने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम का पल्प जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है, और 12 से 15 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। आम के पल्प को निकालने के लिए यहाँ हमने एक स्टील की थाली ली है और उसमें घी डाल करके उसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि आम का पापड़ आसानी से निकल जाए सूखने के बाद। अब हम इसमें सारे पल्प को डालेंगे और इवेनली स्प्रेड कर देंगे। तो बस यहाँ पर हमने पल्प को अच्छे से फैला लिया है। अब इसको रख देंगे हम धूप में 2 दिन के लिए। आप चाहें तो इसको पंखे में भी सुखा सकते हैं। ये पंखे में भी आराम से 2 से 3 दिन में सूख जाएगा। तो 2 दिन हो गए हैं और ये देख सकते हैं आप कि आम का पापड़ अच्छे से सूख गया है। अब एक चाकू की मदद से हम आराम आराम से पापड़ के किनारों को हटा लेंगे। इसे हमें जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना पापड़ टूट सकता है। अब यहाँ पर हम आराम आराम से पापड़ को निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि कितने आराम से जो है वो पापड़ निकल रहा है। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट आम का पापड़ बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर पापड़ को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे। आप चाहें जैसे इसको काट सकते हैं, और इसको एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। आम का पापड़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसको जब मन चाहे हम खा सकते हैं। तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो लीजिए, आम का पापड़ बनकर तैयार है यहाँ पर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।